हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ZigBee, देन ZigBee के बाद हम देखेंगे RFID के बारे में, एंड देन फाइनली हम देखेंगे WiMAX के बारे में। सो थ्री डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और ये तीनों डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके शॉर्ट आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट है, बेसिक आपको आइडिया आना चाहिए इन सबके बारे में। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम ZigBee से। सो ZigBee क्या है? एक वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड है जो कि लो कॉस्ट यानी कि चीप होता है और लो पावर के ऊपर काम करता है। नाउ इट इज़ यूज टू क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसको बनाने में काम आता है ये। द वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी ये यूज करता है वो बेस्ड होती है IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के ऊपर। सो इसके ऊपर बेस्ड होता है ZigBee। नाउ द चिप्स आर इंटीग्रेटेड विद द रेडियस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। कि जो चिप होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं, अंदर ही इंटीग्रेटेड होती हैं जो भी डिवाइस का माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके रेडियो में। हर डिवाइस के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही जो चिप है आपकी वो इंटीग्रेटेड होती है, जो कि आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। अब ये कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज को सपोर्ट करता है? सो जनरल जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं उनको सपोर्ट करने के साथ साथ ये आपको P2P और मैश टोपोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। पॉइंट टू पॉइंट एंड मैश टोपोलॉजी, इन दोनों को भी ये इजीली सपोर्ट करता है। अब क्योंकि जो इसकी पावर है वो लो होती है, लॉन्ग बैटरी होती है क्योंकि पावर कम कंज्यूम करता है, तो जो इसकी ड्यूटी साइकिल है वो लो होती है, ठीक है। लेटेंसी इसकी कम होती है, एंड इंक्रिप्शन जो होता है वो 128 बिट का होता है। इंक्रिप्शन जो है वो कितने का होता है? 128 बिट का, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 900 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 868 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में ये काम करता है, ठीक है। 868 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में ये काम करेगा। सो अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो लेयर्स हैं वो किस तरह से होती हैं। सो सबसे पहले फिजिकल लेयर, देन मैक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो जो फिजिकल लेयर होती है बेसिकली ये क्या काम करती है, जितना भी आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है उस सबको हैंडल करती है। मॉड्यूलेशन हो गया, डीमॉड्यूलेशन हो गया, उन सबकी हैंडलिंग करती है फिजिकल लेयर। देन इसके बाद आती है आपकी मैक लेयर। सो मैक लेयर के अंदर क्या होता है? आपका कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, CSMA एंड बीकन फ्रेम्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन इसमें यूज होते हैं। ओके, सो बीकन फ्रेम्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन आर यूज्ड। उसके बाद आती है आपकी नेटवर्क लेयर, जितना भी राउटिंग है उस सबको सेटअप करने का काम करती है, सेटअप राउटिंग। एंड एप्लीकेशन लेयर, जहां पे आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इतना याद रहना चाहिए दैट दिस इज अ कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम बेस्ड प्रोटोकॉल। सो जो कोलिजन अवॉइडेंस होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है ZigBee। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ZigBee के, जो आपको शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में अगर आता है शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन तो उसमें आपको आंसर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अब RFID। अब RFID का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, RFID इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो करता क्या है? इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और पर्सन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनिमल को, पर्सन को, यानी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने का काम करता है RFID। अब हर RFID का एक यूनिक ID होता है ताकि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक RFID की चिप लगा रखी है, लेट अस से दिस इज द RFID चिप, तो इस RFID का एक कोई यूनिक ID होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका यूनिक ID है
1, 2, 3 ओके। देन एक और आपके पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आपने एक RFID लगा रखा है, तो इस RFID का जो यूनिक आईडी होगा वो अलग होगा, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6। अब ये जितने भी RFID होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई सेंसर है आपके पास यहाँ पे, लेट अस से दिस इज़ द सेंसर, तो ये सेंसर इन RFID की इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली अपने आप रीड कर लेगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को, जो भी RFID के अंदर डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। सो दिस सेंसर ऑटोमेटिकली रीड्स इंफॉर्मेशन ऑन RFID और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, उन सब का काम हम करते हैं। सो दिस इज यूज्ड टू ट्रैक द टैग्स अटैच टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने यहाँ पे एक टैग लगा दिया तो उस टैग को अटैच करने का काम करेगा, उस टैग को ट्रैक करने का काम करेगा RFID। अभी जो टैग होता है बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, इस टैग के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली सेंड इंफॉर्मेशन। सो दिस टैग कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिकली सेंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ दिस RFID कैन बी, दिस RFID कैन बी एक्टिव, एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। सो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव अगर होगा तो उसको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, इट रिक्वायर्स अ बैटरी, और अगर पैसिव होगा तो उसको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट डजंट रिक्वायर बैटरी। ठीक है, तो जो टैग्स होते हैं आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो आपके लगेज होता है उसमें कुछ टैग्स को अटैच किया जाता है, वो टैग्स होते हैं RFID टैग्स। अब उसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, सो जो पैसिव वाला RFID है इट इज यूजुअली यूज्ड इन टैग्स। टैग्स को जब लगाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर उसमें हम पैसिव RFID का यूज करते हैं, जिसमें कोई बैटरी नहीं होती बट एक इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ RFID सिस्टम। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ RFID सिस्टम। एक तो होता है स्कैनिंग एंटीना जो स्कैन करता है RFID को, एक ट्रांस रिसीवर जो ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा, और एक होता है ट्रांसपोंडर। अभी जो ट्रांसपोंडर है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका, क्योंकि ये जो ट्रांसपोंडर है यही आपका RFID टैग होता है, ठीक है। एंड दिस RFID टैग और द ट्रांसपोंडर कंटेन्स द माइक्रोचिप्स, दिस कंटेन्स माइक्रोचिप्स हो गया आपकी मेमोरी हो गई जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, एंटीना हो गया जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा। तो ये जो ट्रांसपोंडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता कैसे काम, देखो एक रीडर होता है और एक आपका RFID टैग है, तो जो रीडर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है RFID टैग के पास, सो इट सेंड्स EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और RFID टैग उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिस्पांस में एक स्मॉल सिग्नल भेजते हैं जिसमें कि इस RFID टैग की इंफॉर्मेशन होती है। सो इट सेंड्स इन रिस्पांस अ स्मॉल सिग्नल, और इस सिग्नल के अंदर इस RFID टैग की इंफॉर्मेशन होती है जो ये रीडर रीड कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ RFID। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम यहाँ पे WiMAX। सो WiMAX क्या होता है, किस लिए यूज होता है? सो WiMAX होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हम बात करते हैं मैन की। सो वायरलेस मैन के ऊपर बेस्ड होता है WiMAX। सेम होता है जैसे कि वाईफाई होता है, बट इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हायर स्पीड होती है, और जो इसका डिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाईफाई, एंड इट इज़ ईजीली स्केलेबल। सो अगर आप कह सकते हो जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है उसके लिए हम WiMAX का यूज़ करते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि किसके ऊपर बेस्ड है,
ये बेस्ड है IEEE के 802.16 स्टैंडर्ड के ऊपर। अब इसका जो मेन यूज है वो क्या है, इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग सर्विस, आप बेसिकली कह सकते हो इंटरनेट सर्विस, इवन इन द एरियाज, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि वायर्ड इंटरफेस करना मुश्किल है, इवन इन द एरियाज डेट आर डिफिकल्ट फॉर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट डिफिकल्ट फॉर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पे भी अगर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है या कोई भी कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, WiMAX का। एंड इट कैन प्रोवाइड स्पीड अप टू काफी तेज होता है ये, तो जो इसकी स्पीड होती है वो हो सकती है 1 Gbps तक, ठीक है। सो इट कैन गो अप टू दिस फॉर अ फिक्स्ड स्टेशन, एक फिक्स्ड स्टेशन के लिए इतनी स्पीड आप इसमें ले सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द WiMAX टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने देखे 3 डिफरेंट टॉपिक्स, ZigBee, RFID एंड WiMAX। सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू।